आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तलाक की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आज यह तय हो सकता है कि तेज प्रताप का ऐश्वर्या के साथ सात फेरों का रिश्ता जारी रहेगा या फिर टूट जाएगा। इससे पहले 8 जनवरी को तेज प्रताप यादव के तलाक की अर्जी पर होने वाली सुनवाई टल गई थी। तलाक की अर्जी पर जिस जज को सुनवाई करनी थी उनका ट्रांसफर हो गया था और नए जज ने सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी निर्धारित कर दी थी। इससे पहले की सुनवाई में तेज प्रताप यादव खुद हाजिर होते रहे हैं। पिछली सुनवाई में ऐश्वर्या राय की ओर से वकील के द्वारा हाजिरी लगाई गई थी। मिल रही जानकारी के अनुसार आज की सुनवाई में भी तेज प्रताप खुद पेश हो सकते हैं। ऐश्वर्या राय की ओर से उनके वकील हाजिर होंगे। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी शादी की महज 5 महीने के बाद ही पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक लेने के लिए 2 नवंबर को पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। तेज प्रताप यादव ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है जिसका केस नंबर 1208 है। तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या के साथ 12 मई को हुई थी। अजय भारत डेस्क की रिपोर्ट।